हेलो फ्रेंड्स, डी आर डॉट आर के टॉक्स के इस एपिसोड में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी गुर्दा और यूरिट में होने वाली पथरी पे सीरीज चल रही है। आज इस सीरीज में हम पिछली सीरीज में तो बेसिक बातों को जाना था, इस सीरीज में अपन डायग्नोस्टिक टेस्ट और पॉसिबल ट्रीटमेंट है उसके बारे में जानेंगे। तो जो गुर्दा की जो पथरी है, ओरिजिनेट तो गुर्दे में ही होती है, बनती तो शुरुआत गुर्दे में ही है, फिर वो यूरिटर में आ जाती है, फिर वहाँ बड़ी होती है और फिर तरह तरह के लक्षण पैदा करती है। ऐसा अपन ने पिछली एपिसोड्स में जाना था। इस बार अपन जानते हैं कि कैसे अपन कंफर्म करें कि गुर्दा में पथरी है और साथ में वो गुर्दे पे क्या असर ला रही है। कोई हाइड्रोनेफ्रोसिस तो नहीं कर रही है, गुर्दा में कोई परेशानी तो नहीं कर रही है। आज ऐसे अपन टेस्टों के बारे में जानेंगे। 10% लोगों को अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी गुर्दे का परेशानी आ जाती है, या गुर्दे में पथरी हो जाती है, गुर्दे का दर्द हो जाता है। जो गुर्दे का दर्द है ज़्यादातर 20 से 50 साल की एज ग्रुप में होता है और मेल जो पॉपुलेशन है, पुरुष वर्ग है, उसमें ज़्यादा देखा गया है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ रही है, एज की टेंडेंसी बढ़ रही है, वैसे वैसे यूरिक एसिड की स्टोन ज़्यादा एज में भी बढ़ते जा रहे हैं और लेडीज में भी जो स्टोन्स हैं उनकी मात्रा बढ़ रही है, क्योंकि जो डाइट में सोडा और हाई प्रोटीन ऐसी परेशानी उसमें बढ़ रही है, ऐसा खाना पीना बढ़ रहा है, उससे उसका प्रिवलेंस बढ़ता जा रहा है, स्टोन ज़्यादा होने की संभावना बढ़ती जा रही है। तो आज अपन बेसिक टेस्ट को जानते हैं कि कौन कौन से टेस्ट, अगर पथरी का संदेह होता है तो टेस्ट करवाना चाहिए, जिससे अपन कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं, एक नतीजा पे पहुंच जाते हैं वही स्टोन है और इसका क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है यूरिन एग्जामिनेशन। यूरिन एग्जामिनेशन पेशाब का टेस्ट साधारण और पेशाब का कल्चर, दो तरह के टेस्ट हैं इसमें। तो सबसे पहले सिंपल टेस्ट के बारे में जान रहे हैं। तो सिंपल पेशाब का टेस्ट है, उसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो ये हैं। सबसे पहले तो खून के कण तो नहीं आ रहे हैं उसमें, आरबीसी तो नहीं आ रही है पेशाब में, इसका पता लगाना है। ज़्यादातर स्टोन होने के साथ में पेशाब में आरबीसी जाने लग जाती हैं। फिर उसके बाद में नाइट्राइट्स, नाइट्राइट्स से पेशाब में इन्फेक्शन का पता लग जाता है। बैक्टीरिया मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट में भी इन्फेक्शन हो तो वो नाइट्राइट की प्रेजेंट से पता लग जाता है। फिर उसके बाद WBC, अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो तो WBC की मात्रा बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद में उसका पीएच, पेशाब का पीएच एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो पीएच अगर एसिडिक होता है तो उसमें जो सिस्टीन और यूरिक एसिड के स्टोन ज़्यादा बनते हैं, और एलक्राइन होता है उसके अंदर कैल्शियम वाले स्टोन ज़्यादा बनते हैं। तो ऐसे करके यूरिन एग्जामिनेशन है। फिर कल्चर टेस्ट होता है, वो पेशाब में इन्फेक्शन की जो ऑर्गेनिज्म है उसका पता लगाने के लिए होता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म उसमें पेशाब में इन्फेक्ट कर रहा है। फिर उसके बाद में CBC, अगर पेशेंट फेब्राइल है, उसको बुखार आ रहा है और पेशाब में बनने मिक्सुरेशन है, जलन वगैरह हो रही है, तो RBC जो WBC चेक करवाते हैं कि WBC उसकी बढ़ तो नहीं गई है। फिर उसके बाद रीनल फंक्शन टेस्ट है, गुर्दा कैसे काम कर रहे हैं, उसमें क्रिएटिनिन, यूरिया, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, उसके टेस्ट से उसका किडनी के इफेक्ट का पता लग जाता है, किडनी पे कोई ख़राब असर तो नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइट्स है, बहुत ज़्यादा उल्टी कर रही है, क्यों मैंने बताया था पिछली बार 50% लोगों को दिन में किडनी का पेन होता है, क्योंकि किडनी का पेन बॉडी में होने वाला सबसे तेज़ दर्द है, और ज़्यादातर तेज़ दर्द के साथ 50% लोगों को उल्टी की शिकायत होती है। तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का पता लगाना होता है, उसमें खून में सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, ऐसे उनका पता लगाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे चल रहे हैं। फिर उसके बाद में है जो मेन गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, वो है नॉन कंट्रास्ट CT, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राम। तो उससे पता लग जाता है कि स्टोन की डेंसिटी क्या है, स्टोन की साइज क्या है, और किडनी पे उसका कितना असर आ रहा है। कोई टाइम पे तो IBP उसका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट था, अब भी उसकी जगह CT ने ले ली है, NCCT ने ले ली है, क्योंकि उसमें थोड़े हजार्ड्स थे, उस परेशानी थी, उसमें कंट्रास्ट डाई एड करनी पड़ती थी, तो उसकी वजह से सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया है नॉन कंट्रास्ट CT। फिर उसके बाद में सोनोग्राफी, सोनोग्राफी प्लस एक्सरे दोनों को भी अपन कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन सोनोग्राफी नॉन इन्वेजिव है, उसमें रेडिएशंस नहीं होते हैं, लेकिन उसमें एक हर्डल ये है जो मिड यूरेटर है, और जो यूरेटर में जो स्टोन्स होते हैं वो फैट और उसकी जो एनाटॉमिकल पोजीशन की वजह से उसका सही डिटेक्शन नहीं हो पाता है। पेल्वी यूरेटर जंक्शन पे स्टोन है या किडनी में है तो सोनोग्राफी अच्छा टेस्ट है, लेकिन मिड यूरेटर में हो और यूरेटर में नीचे हो, लोअर यूरेटर में, तो उसका सोनोग्राफी से पूरी तरह से डिटेक्शन नहीं होता है। इसके साथ में अपन एक्सरे को भी कंबाइंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद में मैंने पहले बताया था
आईबीपी और रिट्रोग्रेड पायलोग्राफी। ये पूरे टाइम में सोनोग्राफी और सीटी से पहले सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट ये हुआ करता था। ज़्यादातर सोनोग्राफी और सीटी ने इसको रिप्लेस कर दिया है। न्यूक्लियर इमेजिंग से वो बहुत ज़्यादा जैसे डिटेक्ट नहीं होता है स्टोन, ये यूरेट्रल है उसका डायलिटेशन हो रहा है और कोच पता नहीं लग रहा है, तो फिर न्यूक्लियर स्टडी की तरफ जा सकते हैं या न्यूक्लियर स्टडी करवा सकते हैं। आज जो स्टोन है अपन थोड़ा मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे, जो इसका इलाज है एक तरह से दो तरह का इलाज है, एक तो मेडिकल है जो तुरंत मरीज को रिलीफ देता है, दूसरा उसका सर्जिकल है जो स्टोन को बाहर निकालता है या ऑपरेशन करके स्टोन को बाहर निकाल दिया जाता है। तो आज अपन सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे और सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए अगले एपिसोड में जानेंगे। तो मेडिकल ट्रीटमेंट है, मान लो किसी को स्टोन हो गया तो उसको क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकता है। तो सबसे पहले है फ्लूड, जैसे उसको पानी ज़्यादा मात्रा में पीते रहना चाहिए। गर्मी के मौसम में पानी की मात्रा कम होने लग जाती है, डिहाइड्रेशन में पहुंच जाता है शरीर, तो यूरिन आउटपुट जो पेशाब बनना है वो कम हो जाता है, उससे इन्फेक्शन बढ़ जाता है और जो उसमें सॉल्यूट्स हैं जो उसमें कैल्शियम ऑक्सीलेट के क्रिस्टल्स हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है, तो स्टोन फॉर्मेशन के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए सबसे पहला कॉर्नर स्टोन है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है कि पानी उसको पीते रहना चाहिए। तो सबसे पहले है फ्लूड्स, फिर नंबर दो पे है डाइट। ऐसा देखा जा रहा है जिनमें कैल्शियम की मान लो लेवल कम है, भाई पहले टाइम पे तो क्या था कि मान लो स्टोन हो गया तो कैल्शियम की चीज़ें मत खाओ, जिसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है ऐसी चीज़ें मत खाओ, दूध मत खाओ, दही खाओ। लेकिन अब जो नई स्टडीज ये बता रही हैं कि अगर मान लो किसी के कैल्शियम लेवल कम होता है तो शरीर का ऑक्सीलेट ज़्यादा मात्रा में सूखता है, और ऐसे टाइम पर अपन मान लो और कैल्शियम कम कर देंगे तो और उसको स्टोन फॉर्मेशन के चांस बढ़ जाएंगे। एक्चुअली अपन ने पहले भी जाना था कि शरीर में तीन तरह के स्टोन बनते हैं, सबसे पहले कैल्शियम के स्टोन है, कैल्शियम ऑक्सीडेट और कैल्शियम फॉस्फेट और मिक्सचर दोनों का, कैल्शियम और फॉस्फेट का। दूसरे इन्फेक्टिव स्टोन से जो 15% होते हैं, कैल्शियम के 75% हैं। तीसरे हैं यूरिक एसिड और सिस्टीन के, वो 6% और 2% है। ऐसे करके स्टोन होते हैं। मान लो अपन डाइट में मान लो कैल्शियम कम लेते हैं तो शरीर ऑक्सीलेट ज़्यादा सूखता है और कैल्शियम स्टोन बनने के चांस बढ़ जाते हैं। और दूसरी है नमक ज़्यादा लेते हैं तो, और सोडा ज़्यादा लेते हैं या बहुत हाई क्वांटिटी में प्रोटीन लेते हैं तो भी उसको स्टोन फॉर्मेशन के चांस बढ़ जाते हैं। बहुत हाई प्रोटीन लेने से भी यूरिक एसिड के स्टोन बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे अपन को डाइट का ध्यान रखना है। मान लो उसको दर्द हो जाता है तो उसका पॉसिबल क्या इलाज है, तो सबसे पहले अपन पहले ओरल फ्लूड के बजाना था, अब आई वी फ्लूड्स मूत्र लगेंगे, ज़्यादा फ्लूड आई वी दिया जाएगा या इंट्रावीनस फ्लूड दिया जाएगा। फिर उसके बाद में दर्द निवारक दवाई है, इसमें डिक्लोफेनिक है, केटोलोरा के, या जो मॉर्फिन से डेरिवेटिव ड्रग्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो मॉर्फिन से डेरिवेटिव जो ड्रग्स हैं वो काम में लाई जाती हैं। फिर उसके बाद में है जो एल्फा ब्लॉकर्स हैं, एल्फा ब्लॉकर एक दवाई आती है जिससे यूरेटर का डायलेशन बढ़ जाता है, जिसमें टेम्यू सोल्यूशन एक मुख्य दवाई है, लो डोज में टेम्यू सोल्यूशन है, वो यूरेटर डायलेशन बढ़ जाती है और यूरेटर में जो स्टोन है वो आराम से पास हो जाता है। पिछले एपिसोड्स में अपन ने जाना था कि जो 80 से 85% केसेज में स्टोन एक्सपल्सन स्पॉन्टेनियस हो जाता है, अपने आप ही स्टोन निकल जाता है, और अप टू 7 mm, 7 mm तक स्टोन खुद ही ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो 80 से 85% केसेज में दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि 7% तक स्टोन है वो शरीर के अंदर नहीं रुकते, उनका ऑटोमेटिक एक्सपल्सन हो जाता है, और जो यूरेटिक डायलिटेशन वाली दवाइयाँ उसके एक्सपल्सन को और ईजी कर देती हैं, मतलब स्टोन निकालने में और सहायक हो जाती है। फिर उसके बाद में है जैसे मान लो उल्टी आ रही है तो उल्टी वाली दवाइयाँ, ओंडासेट्रोन है, एंटीबायोटिक दवाई है। फिर उसके बाद में एल्कलाइजेटिन, जैसे अब सब जानते हैं वैसे जो जो सिरप हैं एल्कलाइजेटिन सिरप होते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर यूरिक एसिड और सिस्टीन के जो हैं उनमें ज़्यादा असर करते हैं, क्योंकि वो एसिडिक पीएच होता है, एल्कलाइजेटिन है जो पीएच है उसको चेंज कर देता है, तो वो हर स्टोन में बहुत ज़्यादा असर नहीं लगा है, केवल जिनमें एसिडिक पीएच ज़्यादा होता है उसके अंदर ही एल्कलाइजिंग एजेंट है वो काम करते हैं। फिर उसके बाद में जैसे मान लो किसी को यूरिक एसिड के स्टोन है तो यूरिक एसिड दवाई आती है, एलोप्रिनोल टाइप की दवाई आती है, वो उसको यूज़ करनी पड़ेगी, तो उसके स्टोन
बनने के चांसेस कम पड़ जाएंगे। जैसे पिछले एपिसोड में अपन जाना था कि स्टोन में क्या होता है कि 50% केसेज में रिकरेंस हो जाती है, 50% केसेज में स्टोन दोबारा बन जाता है। तो उनमें ज़्यादातर बनने वालों में या तो कैल्शियम का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो, हाइपर कैल्शीमिया हो, या हाइपर यूरिशीमिया हो, यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो, तो उसको यूरिक एसिड चेक करवाने लेना चाहिए, कैल्शियम चेक करवाना चाहिए। अगर ज़्यादा होगी तो उनकी रोकने की दवाई काम है। मान लो हाइपर कैल्शीरिया है तो थायराइड जो डायुरेटिक्स हैं वो उसमें अच्छा काम करते हैं, जो पेशाब बढ़ाने वाली दवाई हैं वो उसमें काम करती हैं। तो ऐसे करके आज अपन ने मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में जाना है। इसमें मान लो दर्द हो तो दर्द और रिकरेंस को कैसे रोका जाए। अगले एपिसोड में अपन सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे, क्योंकि इसने पूरी तरह से मैनेजमेंट को, स्टोन के मैनेजमेंट है, पथरी के मैनेजमेंट है या पथरी के इलाज है, उसको पूरी तरह से बदल के रख दिया है। अगली बार में इसके बारे में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।